धर्म के बारे में एक भी पैसे की जानकारी नहीं, वो राजनेता है ना या कि धर्म गुरु। धर्म गुरु का काम है धर्म पर चर्चा करना, वार्ता करना, राजनेताओं को यह काम नहीं है। लेकिन किसी को किसी ने भी अधिकार नहीं दिया किसी भी सनातन संस्कृति को गाली दे, किसी मजहब को गाली दे, किसी धर्म को ऊंचा नीचा छोटा बड़े कहे। दम होता उन नेताओं को तो अन्य समाज की कुरीति के बारे में चर्चा करके देख लेते, 72 टुकड़े उनके हो गए होते। लेकिन हम सनातन को मानने वाले हैं और भगवान ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, रामचरितमानस में इसका वर्णन है। और जो जिस भाव से देखेगा उसको वही भाव उसमें मिलेगा। जिस प्रकार से एक नेता रामचरितमानस की जलाने की बात करता है, प्रतिबंध करने की बात करता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पार्टी के मुखिया ने कहा कि हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, लेकिन जो लोग रामचरितमानस की बात करते हैं उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जो राम का विरोध करता है, जो भगवान कृष्ण का विरोध करता है, जो रामायण का विरोध करता है, जो गीता का विरोध करता है, उसका प्रमोशन हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से सरकार निपटे और ऐसे लोग सलाखों के पीछे होना चाहिए। यह मानवता को शर्मसार करने वाले राजनेता हैं और मानव के लिए दानव के रूप में ये समाज में काम कर रहे हैं। सर्वी जातिवादी मानसिकता थोप कर लोगों पर और जाति को जाति से लड़ाकर बांटने की साजिश है और कुछ नहीं। पराजी फिर उनको आपसे डर लग रहा है स्वामी के साथ मौर्य को, कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए आपसे। नहीं देखिए, अगर हमसे डर होता तो अभी तक उनके 72 टुकड़े हो गए होते। दम होता इस्लाम के बारे में बोल के दिखा दें। डेनमार्क में कार्टून बनता है, 9 की 9 पत्रकार की हत्या हो जाती है। नुपुर शर्मा की किसी ने समर्थन किया, हम समर्थन नहीं करते, लेकिन साधारण गरीब आदमी जो एक सामान्य सा व्यक्ति है, कपड़ा काटकर अपने बच्चे का जीवन यापन करता है, ऐसे लोगों का सर कलम हो जाता है। वही देश है। हम सनातन को मानने के साथ साथ यह देश संविधान से चलता है और उसको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य शुद्ध रूप से सामाजिक आतंकवादी हैं, जो समाज को बांटने की साजिश करे, समाज में जो कुरीति फैलाए उसको हम आतंकवादी कहते हैं। उल्टे वो मेरे ऊपर आतंक का आरोप लगाते हैं, मुझसे डर नहीं लगता। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो व्यक्ति भगवान राम को गाली दे, सनातन संस्कृति को गाली दे, जो पूरी सनातन परंपरा को सड़ी हुई जातिवादी बताए, सड़ी हुई बात कर दे, दुखद है, निंदनीय है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। ये राजू दास की निजी लड़ाई नहीं है कि राजू दास के ऊपर उसने हमला किया या राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किया। हमने हमला किया उनकी मानसिकता पर, उनकी जो ओची मानसिकता है उस पर राजू दास का हमला है, या ना कि राजू दास स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला किया। नहीं, मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूँ कि वो व्यक्ति, जो दो महिलाएं निकाली गई है, वो कोई पार्टी विचारधारा के विरोध में नहीं निकाली गई है। उसने कोई पार्टी की विचारधारा का विरोध नहीं किया। मुझको लगता है अगर पार्टी की विचारधारा सनातन को गाली देना है तो ऐसी विचारधारा जमीन में धस जाए। मैं इसलिए उसके साथ में हूँ क्योंकि उसने सनातन की बात किया है, उसने राम की बात किया है, उसने भगवान कृष्ण की बात किया, उसने रामचरितमानस की बात किया, उसने गीता की बात की, गीता की सम्मान की बात की। अगर उसके एवज में उसको निकाला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसके साथ हैं तन मन धन से, और लगातार पूरे देश के सनातन प्रेमी वो दोनों बहनों के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि एक संत को शोभा नहीं देता कि वो किसी पे इनाम घोषित करे, गर्दन काटने, जुबान काटने की बात कर रहे हैं, ये तो काम कोई आता। एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सर्वधर्म सद्भाव की हम बात करते हैं, दूसरी तरफ जो रामचरितमानस को गाली देता है, भगवान कृष्ण को गाली देता हो, जो गीता को जलाने की बात करता हो, जिसके प्रसाद में रामचरितमानस जलाया जाता हो, उसको तुरंत प्रोत्साहन दे दिया जाता है, उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। इससे क्या दिखता है? और एक तरफ तो जो जिसने रामचरितमानस की बात किया, ऋचा सिंह, रोली तिवारी, उसको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा देते हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी की मति भ्रम हो गया, लोहिया के विचारों से हट चुके हैं, और जिस प्रकार से माननीय मुलायम सिंह जी की विचारधारा था, सबको साथ लेके चलते थे, उनकी विचारों को कुठाराघात कर रहे हैं अखिलेश यादव। और आने वाले दिनों में, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और मैं एक धर्म गुरु होने के नाते मैं कह रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ। ये राजू दास की लड़ाई नहीं है, ये सनातन की लड़ाई है। उसने अगर हमला किया है तो सनातन पे हमला किया है, उसने रामचरितमानस की जलाने की बात की है, और उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं अखिलेश जी, ये ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में जनता इस चीज़ का जवाब देगी। कई चैनल है, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूँ, किसी भी, मैं उस खुद अपनी बात का निंदा करता हूँ, किसी को अधिकार नहीं है किसी भी धर्म को गाली देने का। उसी प्रकार
किसी को अधिकार नहीं है किसी की शर्म कलम करने का आदेश देने का, लेकिन आप समझ सकते हो साधु संतों की देश में, ऋषि मुनि महात्माओं की देश में, जहां प्रजातंत्र की व्यवस्था हो, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जहां संविधान का राज चलता हो, वहां पर रामचरितमानस जलाए जाना, इस दुख के कारण, इससे आहत होकर मैंने कहा था, हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर कलम करेगा 21 लाख का इनाम देंगे, इससे आहत होकर दिया था। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षमा भी मांगता हूँ, अपने विचार को मैं वापस भी लेता हूँ अगर किसी को तकलीफ होता हो। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मेरा सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य से, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य माफी मांगेंगे क्या? मैंने तो एक गलती की, क्षमा मांग लिया। जो स्वामी प्रसाद मौर्य रोज चिल्लाता है, बार बार कहता है रामचरितमानस पर बैन होना चाहिए, और तो और सुनिए आज की घटना है, मुंबई में उनका भाषण था, सारे धार्मिक ग्रंथों का, सारे सनातनी धार्मिक ग्रंथों का बैन होना चाहिए। बताइए इस्लाम के बारे में बोल के दिखा दो, सरतन से जुदा हो जाएगी। आप बाइबिल के बारे में बोल के देख लो, सरतन से जुदा हो जाएगी, नहीं बोल सकते। तो नाम वाला अपना बयान वापस ले रहे हैं। मैंने पूर्व में ही कहा कि मैं अपना जो घोषित किया वो बयान वापस लेता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ये बोल पाएंगे क्या? स्वर भास्कर शुद्ध रूप से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह की बात करने वाली स्वर भास्कर, जिसको 10 दिन पहले ट्वीट करती है कि मेरे भाई बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, जल्दी से शादी कर लो किसी लड़की को देखकर, और स्वरा भास्कर उसी से शादी कर लेती है। लेकिन स्वरा भास्कर को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वरा भास्कर को अल्टीमेटम देना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि उस कौम में उन्होंने शादी किया, जो कौम अपने बहन से ही शादी कर लेता है, उसके बाद तलाक तलाक करके कई मर्दों के साथ रात बितानी पड़ती है। अगर स्वरा भास्कर हजारों मर्दों के साथ रात बिताना चाहें तो उनको साथ मुबारक हो। अगर वो वाकई में एक नारी शक्ति है, वाकई में अपने आप में एक सशक्तशाली महिला है, तो उसको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन चलिए, स्वागत है शादी की, कम से कम सनातन से एक बोझ कम हो गया। अच्छा, आपको लगता है कि अब सुरा को हलाला के लिए तैयार रहना चाहिए? नहीं, एकदम हलाला के लिए तैयार होना चाहिए सुरा को, क्योंकि अभी राखी सामंत जो कभी सनातन को नहीं मानती है, वो शादी की और तीसरे दिन रोना शुरू कर दिया कि इसका अफेयर किसी दूसरे से है, और उसने तलाक तलाक कर दिया और किसी दूसरे के मर्द फिर किनारे हो गई। तो जो भी महिला, मैं निवेदन करूंगा, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, लेकिन जो सही है, जो फैक्ट है, हमारे यहाँ भी सती प्रथा था, सती प्रथा खत्म हुआ, गलत था सती प्रथा। उसी प्रकार जो इस्लाम में जो एक कुरीति है, बहुत ही कष्टकारी कुरीति है, उन माँ से पूछिए, वो बहन से पूछिए, वो नारी से पूछिए, वो नारी, वो माँ, वो बहन, जब 1000 लोगों के साथ बिस्तर उसको बिताना पड़ेगा, कितना कष्टकारी है। जिसको अपनी भाई मानता हो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़े, जिसको अपना पिता मानती हो उसके साथ बिस्तर गर्म करना पड़ता हो, जिसको अपना धर्म गुरु मानती हो उसके साथ बिस्तर साझा करना पड़ता हो, उस संस्कृति में, ऐसे संस्कृति बाहर में चला जाए। जो विवाद शुरू हुआ था वो लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं रहा है, क्या वजह? आज तीर्थराज प्रयाग में लोकपहल के इस पावन कर्म मंच पर कार्यक्रम में आज जो पांडुलिपि रामकथा विषय पर दुर्लभ प्रदर्शनी लगी हुई थी, इस लोकमंच के कार्यक्रम में मैं तीर्थराज प्रयाग में हूँ, आया हुआ हूँ, और मैंने उस प्रदर्शनी में देखा कि विगत कई सौ वर्ष प्राचीनतम भगवान के राम के अयोध्या से लेकर लंका विजय प्राप्ति करने के बाद अयोध्या आने तक का वो दुर्लभ प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई थी। आपने सवाल किया रामचरितमानस पर, मुझको लगता है तो राजू दास जी आगे क्या करेंगे? या राजू दास की लड़ाई नहीं, 130 करोड़ देशवासी की लड़ाई है पूरे देश में, कहीं पर वो नहीं चल पाएंगे, कहीं नहीं घुस पाएंगे। जो संवैधानिक लड़ाई है, जूते से उनका स्वागत करेंगे, उनको कलखे से उनकी स्वागत करेंगे, जिस प्रकार से हो सकता है उस प्रकार से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि यह सनातन परंपरा वाला देश है, जहाँ पर हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। हमने किसी का अपमान थोड़ी नहीं किया है, हम तो स्वामी प्रसाद मौर्य को यही तो कह रहे हैं ना, आपको किसने अधिकार दिया सनातन पे बात करने का? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो यह डिबेट की विषय नहीं है, या ट्विटर पे बाहर का विषय नहीं है, ये फेसबुक पे लिखने का विषय नहीं है। आप मंच से गाली दो सनातन पे, ये नहीं चलेगा। आप जिस पार्टी की विचारधारा को मानते हो
लोहिया की विचारधारा। लोहिया ने रामराज की परिकल्पना किया था, काशी से लेकर बनारस से लेकर आपका जो है प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक रामायण मेला का शुरुआत लोहिया ने किया था। क्या उस विचारधारा को आप मारने की साजिश कर रहे हो? क्या आप संविधान से भगवान राम की वो दुर्लभ प्रति आप हटा सकते क्या? जिस प्रकार से अंबेडकर साहब ने संविधान में मूल प्रति पर भगवान राम का चित्रण है, क्या उसको आप हटा पाएंगे क्या? क्या महात्मा गांधी की रामराज की परिकल्पना थी, क्या उसको आप मिटा पाएंगे क्या? तो रामराज की परिकल्पना कोई विषय निजी राजूदास का नहीं है, यह विषय सनातन प्रेमियों का है और अखंड जो सनातन संस्कृति जो अखंड हिंदू राष्ट्र है उसकी परिकल्पना है और इसको आप दबा नहीं सकते। दुर्भाग्यपूर्ण है, अयोध्या में एक घटना घटी जिस पर NSA लगाकर उस व्यक्ति को बंद कर दिया गया। और जो बार बार रामचरित मानस की जलाने की बात करता हो, जो बार बार कहता है कि सपा की सरकार बनेगा तो हम रामचरित मानस पर प्रतिबंध कर देते, वो खुला ऐसे आतंकवादी घूम रहा है, वैचारिक आतंकवादी खुला ऐसे जो समाज को बांटने का साजिश कर रहा है, जिसको आतंकी द्वारा फंडिंग की जा रही है कि हिंदू को हिंदू से लड़ाकर और देश की तोड़ने का जो बात करता है वो खुला घूमे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया था लखनऊ में, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कौन फंडिंग कर रहा है? शुद्ध रूप से आतंकवादी संगठन फंडिंग कर रहा है। जो लोग 2049 में इस्लामिक मुल्क चाहते हैं वो लोग उनके पीछे फंडिंग कर रहे हैं, हिंदू को हिंदू से बांटकर और राष्ट्र को तोड़ने की साजिश है। अखिलेश यादव है कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों से मुस्लिम समाज दूर रहे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुस्लिम जो है वो सड़कों पर उतर कर बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम रोड पे आकर आंदोलन करे, सबको अधिकार है, हिंदुओं को भी अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन संवैधानिक तौर पर। अब ये कहें कि बागेश्वर धाम महाराज का हम विरोध करें, सनातन संस्कृति का विरोध करके रोड पे उतर के आंदोलन करें, ये नहीं चलेगा। अगर बागेश्वर धाम वाले गलत कार्य करते हैं तब आप विरोध करो तो चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ वो चादर और फादर वाले लोगों से कि जब आप आए दिन रोज कार्यक्रम करते थे तो हम कभी रोड पे उतर के विरोध किया क्या? कभी हमने कहा कि लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटी बहू का इज्जत लूटा जाता है, 35-35 टुकड़े होते हैं, 36-36 टुकड़े होते हैं, फ्रिज में आप 2-2 महीना तक उसको बंद करके रखते हो और टुकड़े काट कर करके फेंकते हो, उस पर सवाल हमने कभी खड़े नहीं किए। हमने कभी नहीं कहा कि ये फादर वाले लोग हिंदुओं को बरगला कर और ईसाई मिशनरी द्वारा बरगला कर धन की लालच देकर और प्रमोशन की लालच देकर और तमाम प्रकार के लालच देकर धर्मांतरण करते, उस पर तो हमने कभी सवाल खड़े नहीं किए। वो तो रामचरित मानस पर उद्बोधन देते हैं, जो उनके पास जाते हैं उसका कल्याण करते हैं। इस चीज़ का अगर विरोध करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, विरोध करिए, कोई समस्या ना हो, हम उसका जवाब देंगे। किसी भी प्रकार से हम पीछे होने वाले नहीं हैं। हम सनातन की बात करते हैं और सनातन सर्वे बंधु सुखना की बात करता है। अगर आप आप यही चीज़ अगर इस्लामिक मुल्क में बोल के देखते तो नहीं आप बोल सकते, ये सनातन वाली देश है, इसके नाते आप विरोध कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए कि स्वरा भास्कर ने जो शादी की है।